हिरन, देख लो गाइस हिरन, कल बारह सिंगा दिखा था, हिरन दिख गया। हाय गाइस, तो सीन अभी का ये है, अभी मैं हरिद्वार में ही हूँ सागर के घर पे, और 7:40 हो चुके हैं। चाय वगैरह हमने पी लिया, पकौड़े खा लिए, और अब सीन है ऐसे निकलने का। तो अभी बाहर निकलते हैं और एक दो दोस्त और है हमारे यहाँ पे, तो विल जस्ट मीट देम और थोड़ा घूमेंगे, और उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं हम अगले 5-7 मिनट में, तो मिलता हूँ आपसे नीचे। बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सीन अभी का ये है, अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम बाहर घूम ही रहे हैं, अभी गेड़ी मार रहे हैं हरिद्वार में। मार्केट है के देख लो भाई, 10:20 हो गए हैं और जानवर जो है बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं, तो हम भी निकल गए हैं बाहर जानवरों की खोज में। देखते हैं आज कौन कौन से जानवर हाथ लगते हैं हमारे। हिरन देख लो भाई, हिरन कल 12 सिंगा दिखा था, हिरन दिख गया। देखो गया अंदर 12 सिंगर कुत्ते तो देख लिए, अब लेपर्ड की तलाश है। बस लेपर्ड की तलाश है, अब लेपर्ड दिख जाएगा तो बढ़िया है, नहीं दिखेगा तो 12 सिंगों से काम चला लेंगे। तो 12 सिंगा कुछ कहता थोड़ी है यार, हैं? कुछ नहीं कहता 12 सिंगा यार। 12 सिंगा ना ब्रो, हाँ यहाँ पे बहुत लोगों की मौत का कारण बन चुका है। कैसे? 12 सिंगा के अंदर बहुत पावर होती है। 12 सिंगा अगर जैसे छोटी हैचबैक गाड़ी में अगर टक्कर मार देना, अच्छा, तो गाड़ी का इंजन एक तरफ से डेंट दबा देता है पूरा, जैसे ट्रक ने मारा हो। मतलब पता क्या, थोड़े से ना, अगर आप जैसे एक वर्ड होता है ना कि स्ट्रीट स्मार्ट, वैसे एक वर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप फॉरेस्ट और थोड़ा सा नेचर स्मार्ट भी होने चाहिए, तो आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानवरों के साथ जंगल में रह रहे हैं एक तरीके से। करना बंद करना लाइट एक बारी। तो भाई साहब गुप बंद रहा है उसको, ज्यादा देर बंद करके फायदा नहीं ना, बोला मैंने 12 सिंगा भी मार दिए बॉट करके। भाई भैया पीछे भाई, तुम भी आओ भाई। जंगल सफारी, ये खड़ा आपके राइट में, चीतल खड़ा हुआ पीछे, बैक करो, पूरा पूरा बैक ले जाओ, पूरा बैक ले जाओ। तो टाइम हो रहा है अभी 12:43 और अभी हम रात को जो है घूमते फिरते आ रहे हैं घाट पे। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस यू नो द नाइट व्यू। सुबह जो था ये घाट पूरा का पूरा पैक था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोमवती अमावस्या, और अब देखो बिल्कुल खाली है।
नहा रहे हो क्या भाई? बताओ क्या? नहीं भाई ठंडा पानी है बहुत यार, अपनी बातें ना करो। मैं गर्मी ना आज तू यहाँ की बात भाई, मगर पैर तो डालो, मजा कितना आ रहा है। अच्छा आपके शूज खराब हो गए। एक बंदी हाँ जी हाँ जी वहाँ बैठो आप गार्ड पे भैया, पानी में भी चला जाएगा हाँ, है ना? ये नहीं जा पाएगा लेकिन सिर्फ कैमरा जाएगा। क्या हाल अंकल? बढ़िया साहब, गंगा जी नहाने आए हैं। कहाँ से आए हो? नहाओ नहाओ, कहाँ से आए हो आप? ग्वालियर। ग्वालियर से आए हो? एमपी। एमपी से? तो इतनी रात को नहाने आए हो? सोमवार की अमावस्या थी, अब आखिरी पर्व था। नहाओगे यहीं पे किसी घाट पे? नहाओगे? हाँ नाली है। आ जाओ नहाली है। नाली है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुशवा। ओम प्रकाश कुशवा। कुशवा कब जाओगे वापसी? कल जाएंगे सवेरे। ट्रेन है आपकी? नहीं बस से आए, बीटी टू से। बस से आए हो? ये बैरागी गांव पे जो बसें खड़ी हुई है इसी में आए हो? अकेले आए हो? छह जने आए हैं, छह आदमी आए हैं। छह आदमी आए हो? दो लेडीज भी हैं और चार आदमी हैं। दो लेडीज और चार आदमी? जी हाँ। अच्छा मजा आया आपको? हाँ साहब आनंद आया, मेला है कि गंगा माँ को तो साल में जब कभी तो सोमवती पड़ती है। अच्छा। तो इसलिए स्नान करने के लिए आए। तो सोमवती अमावस्या की वजह से आए जी? श्रद्धालु आप? हाँ। अच्छा कुंभ के मेले में आते हो? कुंभ के मेले भी, कुंभ का मेला है, इलाहाबाद का है, यहाँ का है, उज्जैन का है, नासिक का है, ये सभी करने पड़ता है। अच्छा ये मैया का जीवन में क्या रखा है, इनके दर्शन करना। क्या काम करते हो? सर नीबू शिकंजी का ठेला लगाता हूँ ग्वालियर में। शिकंजी के ठेले लगाते हैं ग्वालियर में? नीबू शिकंजी का। अच्छा चलो बढ़िया है जी सर। शादी तो हो रखी होगी आपकी? हैं शादी हो रखी है? शादी हाँ, शादी तो हमारी आज कितने साल हो गए? 30-35 साल हो गए। बच्चे भी हैं? बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? एक 24 साल का है, एक 22 साल का है। ले लो जो भी लेना है, चाय चू। चाय बना देना। क्या हाल है? रखो आप लोग? हम ऋषिकेश से। जो ऋषिकेश से आए हो, क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूर हो? ये वीडियो किस लिए बना रहे हो? ये भाई जी चैनल है मेरा। कौन सा चैनल है? फोन है आपके पास? फोन तो है। खोलो यूट्यूब खोलो। आपका नाम क्या है? लगेंद्र। सत्येंद्र? लगेंद्र। लगेंद्र आपका? अजय। हरिया? अजय। अच्छा तीनों तुम लेबर हो? हाँ जी। कहाँ पे करते हो काम? यहीं करते हैं शिवाजी में। पास में? अच्छा ठीक है, खा लो आराम से। हाय गाइस वेलकम बैक। तो कल रात को जो है घाट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वी जस्ट वेंट बैक टू होम और उसके बाद हम सो गए थे। तो अभी मैं हूँ हाईवे पे और इस ढाबे के बाहर हूँ मैं, दून ढाबा एंड स्वीट शॉप। आपका है ना ढाबा? क्या नाम अंकल आपका? जसपाल कश्यप। यशपाल कश्यप? जसपाल कश्यप। अच्छा कितना पुराना ढाबा है ये? तो 1 साल से हुआ। 20 साल पुराना? 1 साल। 1 साल। अच्छा आप ही चलाते हो? हाँ। अच्छा क्या क्या मिलता है खाने के लिए?
खाने के लिए तो यही व्यंजन जो भी जैसा कोई ग्राहक मांग ले। फिर भी क्या क्या आइटम आपके पास स्पेशल क्या है? स्पेशल तो हमारे यहाँ पकौड़े हैं। पकौड़े स्पेशल है, आलू पूड़ी है, आलू पूड़ी, छोला पूड़ी, छोला भटूरा है, इस तरह के व्यंजन है सर। अच्छा, और वेज और नॉन वेज दोनों? नहीं, नॉन वेज नहीं हम लोग, सिर्फ वेज। वेज ठीक है, बढ़िया। वेज तो हम नहीं रखते। ये क्या काट रहे हो आप यहाँ पे? नहीं, मैं रेती बना रहा हूँ। तेज कर रहे हैं, सबको तेज कर रहे हैं। हलाल बाद में करेंगे। ये भाई बड़े, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, आप बड़े भाई हो? क्या नाम है अंकल आपका? दिनेश। दिनेश, क्या करते हो? काम करते हैं साथ में। क्या करते हैं? कारीगर हैं। क्या क्या बनाते हो? बढ़िया, क्या बनाते हो? बढ़िया, छोले, पनीर, अच्छा, आलू टमाटर, समोसा, ब्रेड पकौड़ा। अच्छा, कहाँ पर है आपका ढाबा? कहाँ पर है? छिद्दरवाला हाईवे पे मेन। ठीक है जी, थैंक यू। इस पे आएगा ये? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो अंकल, बाय। थोड़े समोसे, बाकी खाने पीने की सारी आइटम है, पूड़ी, छोले, छोले भटूरे सब मिलेगा। तो चाय हमने पी ली यहाँ से और अब हो गया निकलने का टाइम। तो हरिद्वार में दो दिन स्पेंड करने के बाद काफ़ी मज़ा आया और आई होप आपको भी वीडियोस देख के मज़ा आया होगा। और अगर आया है तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। तो जल्द मिलेंगे नई लोकेशन पे नई वीडियोज़ के साथ। अनटिल देन टेक केयर एंड बाय। हाँ जी, हाँ जी, चले भाई जी। A pretty guy with a halo, but who am I kidding? Please, no, I gotta realize.